दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है आज अपनी नई स्टोरी के साथ काफी पॉपुलर हो रहा है, जिसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह तो हर्षद चोपड़ा ही माने जा रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले भी कई टीवी शोज में अपने अंदाज से दर्शकों का मन मोहा है और इसीलिए आज सफलता पाकर बेहद आलीशान और शानदार लाइफ स्टाइल जीते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज ढेर सारी दौलत और शोहरत के साथ एक शानदार जिंदगी जी रहे अभिनेता हर्षद चोपड़ा को एक समय पर बेवफाई का सामना भी करना पड़ा था? जी हाँ, इन्होंने एक वक्त पर जिससे दिल लगाया था उन्हीं से इन्हें बेवफाई मिली थी। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको हर्षद चोपड़ा की दौलत, शोहरत और गर्लफ्रेंड की बेवफाई की कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पर उससे पहले इस हैंडसम अभिनेता के लिए एक लाइक तो बनता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु के किरदार से शो की नई शुरुआत करने वाले अभिनेता हर्षद चोपड़ा इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर अभिनेता हैं, जो कि टीवी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक टीवी शोज देकर आज अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा चुके हैं कि इन्हें 1 एपिसोड के 70,000 चार्ज किए जाते हैं, जिसके चलते आज इनके नाम 18 करोड़ की संपत्ति है, जिससे इन्होंने मुंबई में बेहद आलिशान आशियाना बनाया है, जिसमें एंट्री लेते ही आपको एक काफी बड़ा और शानदार लिविंग रूम देखने को मिलेगा, जिसमें एंट्री लेते ही आपको एक बड़ी एलईडी टीवी के साथ काफी आलीशान और महंगे महंगे सोफे रखे दिखेंगे, जिसके साथ इन्होंने मैचिंग के कर्टेंस और फर्नीचर का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ ही इनके घर में इन्होंने इतनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए तरह तरह के रंगों, खूबसूरत पेंटिंग्स, लाइटिंग और चमचमाते झूमर का इस्तेमाल किया है। वही घर की हर एक चीज का मैनेजमेंट भी बेहद शानदार तरीके से किया गया है, तभी तो इनके घर की खूबसूरती के साथ साथ सुविधाओं पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस घर पर इतनी बड़ी कीमत लगाने के साथ ही हर्षद चोपड़ा अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल पर भी पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, तभी तो इनकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा लाजवाब लगती है। आपको बता दें, इस पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए हर्षद चोपड़ा अपने एक एक कपड़े पर 30,000 से 40,000 की कीमत खर्च कर देते हैं, जिनमें आपको छोटे मोटे ब्रांड्स नहीं बल्कि हर्मस और ऑफ वाइट जैसे ब्रांड्स के कपड़े देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही ये ऐसे ही ब्रांड्स के शूज भी कैरी कर अपने लुक को परफेक्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से इनके शू कलेक्शन में 20,000 से 25,000 के शूज देखने को मिलते हैं। वहीं आपको बता दें, कपड़ों और जूतों के अलावा ये अपनी महंगी महंगी घड़ियों, परफ्यूम और शेड्स पर भी पैसे खर्च करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इन पर भी इनका 10,000 से 20,000 तक का बिल बैठ जाता है। अंत में बात करें हर्षद चोपड़ा की लग्जूरियस कार कलेक्शन की, तो आपको बता दें हर्षद चोपड़ा के पास काफी महंगी महंगी और लग्जूरियस कार्स हैं, जिनमें मर्सिडीज ए क्लास बेंज जिसकी कीमत 40 लाख रुपए है, तो वहीं ऑडी A4 जैसी गाड़ियां शामिल हैं। अब बात करें इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में, जिन्होंने इनसे बेवफाई की, तो बता दें वो कोई और नहीं बल्कि स्रीति झा हैं। जी हाँ, सौभाग्यवती भवा सीरियल में इनके साथ काफी अच्छे बॉन्ड में नजर आने वाली स्रीति झा ही वो शख्सियत है जिन्होंने हर्षद चोपड़ा को प्यार में धोखा दिया है। बता दें, अपनी इसी शो में काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, जहां हर्षद चोपड़ा ने तो इनसे सच्ची मोहब्बत की थी और इनसे शादी करने का सपना तक सजा लिया था। पर अफसोस, जहां हर्षद चोपड़ा इनसे सच्ची मोहब्बत करते थे, तो वहीं स्रीति झा ने इनके ही करीबी दोस्त कुणाल करण कपूर पर डोरे डाले और इनका साथ छोड़ कुणाल करण कपूर का हाथ थाम बैठी, जिसकी वजह से अपने प्यार में धोखा खाने के बाद हर्षद चोपड़ा आज भी अपनी लाइफ में सिंगल हैं और सिंगल ही रहकर अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, हर्षद चोपड़ा की दौलत, शोहरत और गर्लफ्रेंड की बेवफाई की कहानी के बारे में जानकर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।